खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। रोटी, कपड़ा और मकान झोपड़े में रह सकते हैं, कपड़े फटे भी पहन सकते हैं, पर भूख लगी हो और रोटी न मिले तो? आज देश में आई विपदा के कारण कहीं जरूरतमंद और गरीब भूखे न मरे, यही सोच कहीं समाज सेवक समुचित कार्य के लिए खासकर खाना देने के लिए आगे आए हैं। इसी में एक नाम दक्ष नागरिक संस्था का भी है, जो हजारों जरूरतमंदों और गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं। हाईकोर्ट के वकील सुनील कुमार भी आगे आए इस नेक कार्य के लिए। एडवोकेट सुनील कुमार के ही अथक प्रयत्नों से राशन वितरण किया जा रहा है, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। आपको बता दें कि एडवोकेट सुनील कुमार की एक फ्री योजना भी है, क्या है वह भी आपको सुनाते हैं। कि हम इस संस्था के द्वारा जो लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन जो कोर्ट कचहरी में, जो कोर्टों में, अदालत में फंसे, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बेसिकली हमारी जो एनजीओ है, वो एक ला रही है लीगल इंश्योरेंस। एक हमारा नॉर्मल सा मेंबरशिप होगा और उस मेंबरशिप के बदले हम अपने जितने भी लोग हैं, इनको सबको हमने फ्री लीगल मेंबरशिप दे रखी है। उसके तहत हम उनको पूरे एक साल तक, चाहे उनको कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, या पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में, या किसी भी चीज़ में वकील की जो जरूरत होती है, वो फ्री दे रहे हैं। इसके बाद हमारा अगले फेज में और प्रोग्राम है कि हमने बहुत इंटीरियर्स में जाके लोगों को वेरिफिकेशन करके उनको टोकन दिया है, हमने सही चीज़ों को समझा है। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो गरीबी की वजह से लेबर जॉब कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी हम अडॉप्ट करना चाहते हैं और उनको भी एजुकेशन देना चाहते हैं। और कुछ नहीं है, सिर्फ हम इस स्लम से आए हैं, स्लम में 35 ईयर्स स्पेंड किया, यहीं पर किया है, इसीलिए अपनी एक आंतरिक भावना है कि जितना हो सके उतना हम लोगों को मदद कर सकें। अच्छा, ये किस तरह से बांट रहे, कूपन बांट रहे, क्या इसके लिए सर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम आज वही प्रॉब्लम देख रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम क्या करते हैं, हम दो दिन पहले सर्वे करते हैं एरिया का जाके, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे सर्वे करते हैं। इवन हमने घरों में जाके लोगों से देखा है, वहाँ पे पहले हम 100, 200, 500 कूपन देते हैं, फिर उनको एक दिन बताते हैं, टाइम बताते हैं और वो लोग आके लेके जाते हैं, लेकिन देखा काफ़ी गर्दी, काफ़ी भीड़ है। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर ऐसा है कि जब कूपन हम देते हैं, कूपन देने के बाद वो आदमी चार आदमी को बता रहा है और वो चार लोग यहाँ चले आते हैं ये सोच के कि हम वही कूपन ले लेंगे या राशन मिल जाएगा इस उम्मीद में। इसका मतलब सर, मेरा तो कुल मिला के बोलने का मतलब है, इसका मतलब अभी देखिए कि भूख कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम जहाँ से जाके आए, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, हम जहाँ से जाके आए वहाँ पे घरों में हमने देखा कि किसी घर में 1 किलो चावल भी मुश्किल से दिख रहा है। और वहाँ पे हमने बहुत देखा, वहाँ पे कोई रीच नहीं है, किसी का कोई रीच नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। तो क्या क्या बांट रहे हो आप? हम लोग सर फर्स्ट फेज में जब बांटे तो 10 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 1 किलो तेल और 5 किलो आटा। अभी हम लोग जो बांट रहे हैं वो 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल और 2 किलो शक्कर। क्या प्लान्स, क्या मतलब, क्या लोगों को कहना चाहते हो, जो खासतौर जो ये हेल्प करना चाहते हैं? सर मेरा तो ऐसा है कि आज अगर ऐसी घड़ी आ गई है, हम तो हर जगह जा रहे हैं, हम तो रेलवे स्टेशन जाके आए, अभी हमने देखा है कि मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, सर मैंने आज का मिला के देखा है तो हम लोगों ने अकेले 2000 लोगों को दिया है, अगर हमारे जैसे अगर 20 लोग भी अगर जुड़ जाएँ तो 40,000 लोगों को। आज मेरा सिर्फ ये बोलना है कि हम ना राजनीति करें, ना हिंदू मुस्लिम करें, हम सब इंसान हैं, सब प्रॉब्लम में, सब अगर आदमी प्रॉब्लम में नहीं हो तो उसके पैर के चिथड़े हो जा रहे हैं और 1400 किलोमीटर चला जा रहा है, अगर उसको यहाँ दो वक्त खाना मिलता तो कहीं नहीं जाता। तो मेरा लोगों से अपील है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए, खास करके लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं, मैंने उनसे भी अपील की कि आप बिल्डिंग में 25-25,000 मेंटेनेंस करते हो, अगर 2-2,000 रुपये अगर सब मेंबर का निकाल के ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो शायद बहुत हद तक आज हम इस समस्या से लड़ पाएंगे। यस, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं अभी इस फाउंडेशन से जुड़ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से ये फाउंडेशन एक गरीबों की हेल्प कर रहा है। एक्चुअली हर जगह तो कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन ये जो लोग हैं वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हर इंसान नहीं जा सकता, एकदम गए से गए, मतलब जहाँ पे एकदम झोपड़पट्टी है, जहाँ पे लोगों तक कोई पहुंच ही नहीं रहा है। हमारा यही मकसद है कि हम हर गरीब उस गरीब की हेल्प करें जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है। और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मतलब किसी भी इंसान के पास राशन नहीं है और
और घर भी इस तरह से सबके है कि बस पूछो मत। तो हम यही चाहते हैं कि इस फाउंडेशन से हम हर गरीब की मदद करें और यही ना ख़त्म हो, ये फाउंडेशन हमारा आगे तक जाए बस।